फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडूफाइल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो पहले हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए मैंने क्या लिया, कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया यहाँ पर, और उसमें जिंक की रॉड को डिप कर दिया गया। कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया और जिंक की रॉड को डिप कर दिया गया। जब मैंने डिप किया, उसके बाद कुछ देर बाद मैंने जब ऑब्ज़र्व किया, तो यहाँ पे जो इस कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है वो किस कलर का था, ब्लू कलर का, और यहाँ पे फेड हो चुका है। कलर कैसा हो चुका है, फेड हो चुका है। दैट मीन्स जो पहले कलर था ब्लू, अब कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। और यहाँ पे जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया, जिंक रॉड पे कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस पूरे वेसल्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे, इसी वजह से इसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया। तो कौन सा रिएक्शन हुआ, इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, जिंक की रॉड, तो दैट मीन्स जिंक सॉलिड, और हमने क्या लिया था, कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Cu2+, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट है तो ये Cu2+ में ब्रेक होगा। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, Zn सॉलिड है और कॉपर क्या है, एक्वस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn2+ एक्वस, जिंक एक्वस में हो जाएगा और कॉपर सॉलिड में हो जाएगा। ये चेंजेस हुए, इसीलिए इसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। पहले कैसा था, ब्लू था। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, मैं इसको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लिया। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक जा नहीं सकते, ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक जा नहीं सकते। अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन को किसी वायर की मदद से फ्लो करा दें, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को किसी वायर की मदद से फ़्लो करा दें, तो करंट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट। तो यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसी वायर की मदद से फ़्लो करा दें, तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, सेम मेटल की सोल्यूशन लेंगे और सेम रॉड को डिप कर देंगे। मान लीजिए मैंने किसका सोल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट का यहाँ पर सोल्यूशन ले लिया आपकी बार, और यहाँ पर किसकी रॉड डिप कर दी, जिंक की रॉड, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, और यहाँ पे कौन सा रॉड डिप कर देंगे, कॉपर की रॉड। इन दोनों को हम वायर से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मुझे काफ़ी दूर डिस्टेंस तक फ्लो कराना है। जब इलेक्ट्रॉन दूर तक जाएंगे तभी करंट फ्लो होगा और तभी इलेक्ट्रोड प्रोसेस हमारा पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जिंक सोल्यूशन है, जिंक ZnSO4, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और कॉपर यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब जिंक की सोल्यूशन में जिंक की इलेक्ट्रोड हम, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। और कॉपर की सोल्यूशन में कॉपर की रॉड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन से इसमें कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इस सेल को अभी हमें कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा देंगे, सॉल्ट ब्रिज, इस तरह से यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, क्योंकि एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन ये सेल कंप्लीट नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक तरफ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज, ताकि ये सेल कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब इसका जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उससे कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
एग्जैक्टली यार, जिसका फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब जो राइट हैंड साइड में है और जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, राइट हैंड साइड वालों को क्या कहेंगे, कैथोड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।